वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के प्लेयर्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आरसीबी जो प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक लीग खेल रहे हैं, वहीं पर जो फॉरन प्लेयर हैं वो देखा जाए तो T20 लीग खेल रहे हैं लोकल। तो वहीं पर बताने वालों की आरसीबी कौन कौन से प्लेयर अभी कौन से फॉर्म में है, कौन किसने कितने ज़्यादा रन बनाए हैं, किसने कितने ज़्यादा विकेट लिए। अगर हम सबसे पहले बात करें आरसीबी के कैप्टन की, यानी कि फाफ डुप्लेसिस की, तो आप लोगों ने देखा होगा अभी अबू धाबी T10 लीग चल रही थी जिसमें उन्होंने अच्छी खासी पावर अटैक की थी। मेरे हिसाब से अभी उनकी दो मैचेस हो चुके हैं जिसमें उनके अच्छे खासे स्टार्ट, एक में 150 का स्ट्राइक रेट था, एक में अभी जो लास्ट मैच हुआ था उसमें उनका 180 का स्ट्राइक रेट था। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा पावर हिटिंग कर रहे होंगे वहां पे और अच्छे खासे रन बना रहे हैं और अपनी टीम को जिता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा जितने देखिए फाफ डुप्लेसी जितने ज्यादा मैचेस खेलेंगे, जितने ज्यादा स्ट्राइक रेट से मैचेस खेलेंगे, मेरे हिसाब से आरसीबी टीम को भी उतना ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द एंड वो आपके लिए विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से उनका जो अभी स्ट्राइक रेट है 180 का था तो आरसीबी के लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई विराट कोहली तो अभी आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में चले, वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बना दिए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही थे। तो मेरे हिसाब से अभी देखा है तो ओपनिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी चले रही है। वहीं पर अगर हम बात करें रजत पाटीदार की, रजत पाटीदार आप लोगों को मालूम है कि अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, वहीं पे अभी उनको नंबर 3 पे आरसीबी के लिए भी खेलना है। वहीं पे अभी उनकी परफॉर्मेंस निकल के आई थी कि उन्होंने 74 रन बना दिए बहुत ही अच्छी बैटिंग करके। तो मेरे हिसाब से आरसीबी, देखिए आरसीबी जितने ज्यादा बैट्समैन उतने ज्यादा फॉर्म में रहेंगे, मेरे हिसाब से आरसीबी का बैटिंग डिपार्टमेंट भी उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। 74 रन उन्होंने बना दिया। वहीं पर जैसा कि मालूम है विजय कुमार जो कि दिखाए तो बॉलर है, लो ऑर्डर में आके बैटिंग करते हैं, उन्होंने भी अच्छे खासे 54 रन बना दिए। तो मेरे हिसाब से आरसीबी जो देखिए ऑलराउंडर जो मिस करती है तो मेरे हिसाब से वो इंडियन ही उनके पास ऑलरेडी है, जैसे कि विजय कुमार अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, उन्होंने 2023 के आईपीएल सीजन में की थी। वहीं पे अभी उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है तो अपनी टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए भी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो लो ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग भी कर सकते हैं। वहीं पर आकाशदीप, जी हाँ आकाशदीप आप लोगों को मालूम है कि 2022 का सीजन उन्होंने खेला था, थोड़ा मेरे हिसाब से 4 या 5 मैच खेले थे और शायद 2023 में भी एक दो मैच खेले थे, तो उन्होंने भी अच्छे खासे 3 विकेट लिए, 8 ओवर डाले थे जिसमें से शायद 2 मेडन थे और उन्होंने 3 विकेट लिए थे। तो मेरे हिसाब से आकाशदीप भी अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। तो आरसीबी के जो सारे के सारे प्लेयर हैं वो अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं, अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो और बाकी की जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोग इस चैनल पर बताता रहूंगा, तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।